हेलो फ्रेंड्स माय नेम अर्शप्रीत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फोर मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि परफॉर्म किया गया था एक फिजिक्स के थ्रू उसका नाम था ओस्टेड इसने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और इस वायर के पास अगर हम मैग्नेटिक कंपस रख देते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपस में क्या होगा डिफ्लेक्शन शो होगी लाइक like दिस और आप सबको पता है मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन कब शो होती है जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होती है तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चला कि जरूर इस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रही होगी तभी हमारे पास मैग्नेटिक कंपस ने डिफ्लेक्शन शो करी अब इसने क्या किया सेम इसी वायर में करंट की डायरेक्शन कर दी इस तरीके से तो इसके पास अब अगर इसने मैग्नेटिक कंपस को रखा तो इसमें डिफ्लेक्शन किस तरह शो हुई इस डायरेक्शन में मीन्स यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देती हूँ तो मैग्नेटिक कंपस में डायफ्लिक्शन भी दूसरी डायरेक्शन में हो जाती है पहले इस डायरेक्शन में थी अब डायफ्लिक्शन इस डायरेक्शन में हो गई तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आस एक फील्ड को जनरेट करती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में एंड मैग्नीट्यूड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसने बताया हमें बायो सेविट्स लॉ ने बायो सेविट्स लॉ ने इसने क्या कंसिडर किया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है लाइक like दिस और मुझे इस वायर के किसी प्रपेंडिकुलर पॉइंट पी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट दैट इज dl जो कितने डिस्टेंस पे पड़ा है कुछ आर डिस्टेंस पे पड़ा है और ये डी एल इस आर के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है तो इस डी एल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये हमें किसने बताई बायोसेविट्स ने इट वॉज डी बी इज प्रोपोर्शनल टू अब उसने क्या बोला जो ये स्मॉल डी बी होगी यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी हम कैपिटल आई ले लेते हैं करंट को कैपिटल आय दैट इज करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर क्या रहेगा यहाँ पे प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको याद रखना है आर हमेशा क्या होता है प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस सारे फॉर्मूला को कंबाइन करके क्या कौन सा फॉर्मूला बना डी बी इज इक्वल्स टू तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ये क्या रहती है बायोसेविट्स लॉ स्केलर फॉर्म अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया है दैट इज म्यू नॉट बाई फोर पाई म्यू नॉट बाय फोर पाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दैट इज टेन रेज टू दर माइनस सेवन न्यूटन पर एम मीटर का स्क्वायर अब देखिए जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोसैट्स का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने एक और कॉन्स्टेंट का इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज के के की वैल्यू वहाँ पे क्या होती थी वन अपॉन फोर पाई एपसाइलर नॉट विच वॉज इक्वल टू नाइन इंटू टेन रेज टू नाइन जब हम बात करते थे वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में सिमिलरली जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है वो क्या है म्यू नॉट बाई फोर पाए और इसकी वैल्यू क्या रहती है टेन रेस टू द पार माइनस सेवन ये वैल्यू किसमें वैलिड है जब हम बात करें हैं वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में ये भी वैक्यूम या फ्री स्पेस में एंड म्यू नॉट यहाँ पर क्या रहती है परमियाबिलिटी यहाँ पे एप्सायलर नॉट क्या था परमिटिविटी थी और यहाँ म्यू नॉट क्या रहती है परमियाबिलिटी ठीक है अब हम आगे डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये हमारे पास था स्केलर फॉर्म ऑफ बायोसेविट्स लॉ अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर बाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू ये क्या रहती है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवेट्स लॉ अब इसमें हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड की जिस प्लेन में हमारे पास डीएल एंड आर वेक्टर होंगे उस प्लेन के प्रपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर वेक्टर ठीक है इसको हम दो रूल्स के थ्रू फाइन कर सकते हैं पहला होता है स्क्रू रूल एंड दूसरा होता है राइट हैंड पार रूल सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्रू रूल को स्क्रू रूल क्या कहता है अगर हमें चलना है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से अब देखिये डीएल है इस डायरेक्शन में और आर है इस डायरेक्शन में अगर हम इन दोनों वेक्टर की टेल्स को जोड़ देते हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर और यहाँ पर हम एक स्क्रू रखते हैं सपोज मैंने यहाँ पर एक स्क्रू रखा और मुझे मूव करना है फ्रॉम डी एल टू तो आर मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है इस डायरेक्शन में बिकॉज हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी एल टू तो आर तो हमारे पास क्या होगा जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो स्क्रू अंदर को जाएगा कैसे जाएगा अंदर को जाएगा जब हम स्क्रू को अंदर भेजते हैं तो क्या होता है अंदर जा रहा है जब क्लॉकवाइज मूव करता है तो अंदर जाता है एंड जब स्क्रू को खोलना होता है तो हम उसको एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो जब हमारे पास स्क्रू अंदर को जाएगा तो हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इनवर्ड्स जिस साइड स्क्रू की डायरेक्शन रहेगी उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड्स को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर में लाइक like दिस और अगर स्क्रू बाहर को आ रहा होता अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते तो फील्ड आती आउटवर्ड और उसको हम सिंबलाइज करते लाइक like दिस एक गोला और उसके बीच में डॉट ठीक है ये तो था स्क्रू रूल और अगर हमें राइट हैंड पाम रूल से फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसमें हमें यूज़ करना है अपना थम अपना पाम देखिए जो थम होता है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को एंड फिंगर्स आपको खोलनी है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जहां पे हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और जो पाम होगी वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसको कैसे देखेंगे आप अब अपना राइट हैंड लीजिए उसका थम आप लेके आइए इस करंट की डायरेक्शन की तरफ अब पॉइंट है इस साइड अपनी फिंगर्स को खोल लीजिए इस पॉइंट की साइड और अब आपका जो ये पाम है दिस इज़ नोन एज़ पाम अगर ये पाम इन साइड जा रहा है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इनवर्ड देखिए करंट की डायरेक्शन इधर थी मैंने फिंगर्स खोल ली पी की साइड तो मेरे पास पाम क्या है अंदर वाली साइड मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई इनवर्ड और अगर यही पॉइंट यहाँ पर होता कहीं यहाँ पर होता तो मैं क्या करती अब करंट तो इसी डायरेक्शन में था बट फिंगर्स तो मुझे यहाँ पे पॉइंट करनी थी लाइक दिस तो पाम मेरा आउटसाइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटसाइड दिस वॉज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब हम जल्दी से दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इसकी उसके बाद आज की वीडियो को करेंगे फिनिश अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोसिविट्स लॉ पहली एप्लीकेशन क्या है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है दैट इज़ प्लस क्यू और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी इसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया से डी इन टाइम डी टी और मुझे इस चार्ज के बिल्कुल प्रपेंडिकुलर पॉइंट पी पर दैट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन किसकी है बायोसेविट्स लॉ की तो बायोसेविट्स लॉ का आपको फॉर्मूला पता है डी बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर अब यहाँ पर थीटा क्या होगा थीटा बेसिकली एंगल क्या रहता था डी एल वैक्टर एंड आर वेक्टर में तो यहाँ पे थीटा होगा नाइन्टी डिग्री तो साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री इज इक्वल्स टू तो वन तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाए अब देखिए आई है यहाँ पर क्या है आई और हमें तो क्वेश्चन में क्या पता है चार्ज के बारे में पता है करंट के बारे में नहीं पता अब हमें पता है कि चार्ज को करंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं करंट होता है क्यू बाई डी टी तो यहां से मैं करंट को सब्सटीट्यूट कर दूंगी क्यू दैट इज चार्ज बाई डी टी जितना टाइम है तो आई को मैंने सब्सिट्यूट किया क्यू बाई डी टी टू डी एल साइन ऑफ नाइंटी डिग्री बाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट क्यू अब देखिए डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टोटल टाइम डी एल बाई डी टी विलॉसिटी बन जाएगा इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वी से तो ये बन जाएगा क्यू इन टू वी बाई फोर पाई साइन ऑफ नाइनटी की वैल्यू वन बाई आर स्क्वा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी बी की दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ़ील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर सपोज़ कीजिए ये मेरे पास कोई सर्कुलर वायर है और इसके बिल्कुल सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए इसका रेडियस है कुछ आर एंड यहाँ पर कोई पॉइंट है पी और इस पूरी वायर में करंट क्या ट्रेवल कर रहा है आई हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करें दैट इज़ आई डी एल तो इस एलिमेंट का इस आर वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री हमेशा जो करंट के एलिमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑलवेज टेंजेंट लाइक दिस तो इसके बीच में idl के बीच में और आर के बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री db की वैल्यू हमें पता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाए आई डी एल साइन थीटा की जगह आप रखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री बाय अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर अब देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक uh, फील्ड की वैल्यू आएगी ड्यू टू दिस एलिमेंट मुझे क्या फाइंड करना है ड्यू टू ऑल दिस सर्कुलर वायर तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी देखिए डी को मैं इंटीग्रेट जब करूँगी तो मेरे पास आएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाए आर स्क्वायर आई बाहर आ जाएगा साइन नाइन्टी की वैल्यू हो जाएगी वन एंड इंटीग्रेशन में रखेंगे हम डी को इंटीग्रेशन ऑफ डी जब मैं इंटीग्रेट करूंगी डी को मीन्स ये पूरा सर्कम कवर करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू पाई आर सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे टू पाई आर और वो कट जाएगा देखिए मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आर स्क्वेर इंटू टू पाई आर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ये वन से कट जाएगा और ये टू से कट जाएगा आर से आर कट गया मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर वायर इज़ इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू आर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर टू एप्लीकेशन ऑफ बायोसेविट्स लॉ टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एन्जॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज़ आय एजुकेशन